हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम बिना एंटीवायरस के अपने कंप्यूटर सिस्टम को, खासतौर पे आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ में बिना एंटीवायरस डाले आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेफ कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंटरनेट से कनेक्ट रहना है, आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये प्रायोरिटी है इसकी। और इसके बाद हमें क्या करना है, जाना है स्टार्ट बटन पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए डिफेंडर। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो, और 10 यूज़ करते हो, 8 यूज़ करते हो, जो भी व्हाटएवर आप जो भी यूज़ करते हो, ठीक है, आपको सर्च करना है यहाँ डिफेंडर, तो विंडोज़ डिफेंडर नाम का एक खुल करके आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं क्विक स्कैन कर लेता हूँ। देखिए ये क्विक स्कैन थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो ये देखिए ये स्कैन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अपडेट हो चुका है और ये वायरस को स्कैन कर चुका है पूरी तरह से। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो अनवांटेड और हार्मफुल सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड, तो इसने पूरा चेक कर लिया है और इस तरह से आप भी स्कैन कर सकते हैं। एक बात और आपको ख्याल रखनी है कि यहाँ से क्लिक करके इसको आप अपडेट भी करते रहिए, चेक अपडेट पर आप अगर क्लिक करिएगा तो ये अपडेट को चेक करेगा और इसको अपडेट करता रहेगा, तो हर 3 दिन पर आपको इसको अपडेट करना है। अब जो ज़रूरी बात कि अपडेट कभी कभी नहीं होता है, तो अपडेट क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जाइए सीधा माई कंप्यूटर पर या कंप्यूटर जो भी फोल्डर आपका हो, ठीक है, और उस पर जाके मैनेज पे क्लिक कर दीजिए। और मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुल करके आएगी, यहां पे खुल रही है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए ये विंडो खुल करके आएगी और आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करना है और सारी सर्विसेज खुल करके आ जाएंगी आपके सामने, यहाँ पे खुल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना है विंडोज डिफेंडर, तो विंडोज अपडेट आपको सर्च करना है और ये विंडोज अपडेट यहाँ आ गया है। इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जा करके और आपको यहाँ पे रखना है ऑटोमेटिक, ठीक है, आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक रखना है तो ये अपडेट होता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके, इसको ओके कर दीजिए, अब ये अपडेट होगा। अगर आप इसको यहां पर आकर के और इसको आप डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, डिसेबल कर देते हैं तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है, तो इसको आप ऑटोमेटिक पे रखिए और ये अपडेट होता रहेगा और आपका जो वायरस है वो क्लीन होता रहेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।